तो नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज मैं मुजफ्फरपुर जिला के कांटी में आया हूँ और यहाँ छन्न मस्तिका मंदिर है। बिहार का पहला मंदिर है छन्न मस्तिका मंदिर, जो आपको मुजफ्फरपुर जिला में है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको छन्न मस्तिका मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ और इसका क्या इतिहास है मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको। आप हाईवे से आ सकते हैं छन्न मस्तिका मंदिर। ये मुजफ्फरपुर से आता है, मुजफ्फरपुर से करीब 16 किलोमीटर दूर है कांटी में। और ये आप मंदिर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों छन्न मस्तिका मंदिर। और आप अंदर दर्शन कराते हैं छन्न मस्तिका मंदिर के अंदर चलते हैं। ये दोस्तों गेट है, आप ऊपर देख सकते हैं शेर का किस तरह बनाया हुआ है मंदिर। और इधर आप देख सकते हैं कि किस तरह नारियल टांगा हुआ है। ये मंदिर का कुछ इतिहास मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है छन्न मस्तिका मंदिर कांटी मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है। अगर आपको कोई भी प्रसाद चढ़ाना हो तो यहीं से आप ले सकते हैं, और कहीं से नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फैमिली दोस्तों, अब हम ऊपर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। और इधर आप जो कात कात में देख रहे हैं वो सब नारियल है। ये भी आप दोस्तों पूरा देख सकते हैं, ये नारियल है टंगा हुआ। और ये आप यहाँ देख सकते हैं मुंडन होता है, ये जितना अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये नारियल ही है पूरा। यहाँ आप अगरबत्ती जला सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ राधे कृष्ण जी का कितना शानदार मंदिर बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों अब आपको हम आगे दिखाते हैं कि क्या चीज़ है। देख सकते हैं दोस्तों यही मंदिर है छन्न मस्तिका मंदिर, आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ आप जो भी मन्नत मांगते हैं आपको यहाँ पूरा होगा। देख सकते हैं दोस्तों पूरा मंदिर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों गणेश जी और हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ छन्न मस्तिका मंदिर कांटी में। आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अभी हम नीचे आए हैं छन्न मस्तिका मंदिर के। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये मंदिर माँ भागवत का मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों माँ भैरवी मंदिर है, ये कितना बड़ा ये देख सकते हैं भगवान का मूर्ति बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों माँ कमला मंदिर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों माँ षोडशी मंदिर, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर जिला में है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों ये माँ काली मंदिर, आपको यहाँ दिख रहा होगा माँ काली मंदिर। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों माँ भुजबस मंदिर। उसके बाद इधर आए हैं दोस्तों तो देख सकते हैं आप माँ तारा मंदिर, ये भी माँ तारा मंदिर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यह माँ मंदिर। देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अंदर चलते हैं, इसके और नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। मांग सकते हैं तो
तो हमें लगता है कि आप लोग बिल्कुल याद होंगे आए, और कैसा है मंदिर हमें बताए। तो चलिए दोस्तों आप ऊपर चलते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि ये मंदिर के बारे में पूछते हैं कि ये मंदिर के बारे में क्या खासियत है। दिखा चुका हूँ भगवान का मंदिर, और तो चलिए दोस्तों आप ऊपर चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग ऊपर आ गए हैं, तो आप चलिए मैं आपको आप ऊपर वाला जो भी भगवान का मंदिर है अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ। बिहार में प्रथम देख सकते हैं दोस्तों छन्नी मिश्र का मंदिर मुजफ्फरपुर कांटी में इस तरह मंदिर है, आप यहां आकर भगवान को दर्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पूरा छन्नी मिश्र का मंदिर आपको हम घुमा चुके हैं, और दोस्तों देखे मंदिर का कुछ अजीब था, कहने का मतलब है कि वो उसके मुड़ी कटा हुआ था और रक्त बाहर निकल रहा था। तो ये दोस्तों पंडित जी से पूछे हैं तो कहने का मतलब हो गया कि इसमें ये छन्नमस्तिका मंदिर का कोई रूप ही नहीं है। तो दोस्तों और यहाँ आप नारियल जो देखे हैं बांधा हुआ, ये सब मनोकामना या जो भी लोग को पूरी हो पूरा होता है वहाँ या आता है और नारियल बांधता है और जो भी प्रसाद होता है यहाँ चढ़ाता है। तो दोस्तों हमें लगता है कि आप लोग यहाँ बिल्कुल आए घूमने, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आशा करता हूँ कि इससे भी बढ़िया बढ़िया